नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। टुडे इज अ क्लास फॉर द रिटेल स्टूडेंट एंड टुडे इज अ टॉपिक ऑफ द करियर पाथ एंड ग्रोथ इन द रिटेल इंडस्ट्रीज। तो आज का नाम से समझ में आ रहा है कि आज का जो टॉपिक है ग्रोथ इन पाथ है, यानी कि रिटेल इंडस्ट्रीज में हम किस तरह ग्रोथ ले पाएं उसके ऊपर है। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या किया, स्टोर खोल लिए, आउटलेट्स खोल लिए मार्केट्स में, हमने उसको रिटेल के जो फॉर्मेट्स है उसको भी बिल्टअप कर लिया, उसमें स्टोर लेआउट भी लगा दिए, उसको सेलिंग का वे भी लगा दिया, विजुअल मर्चेंडाइजिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब बात ये आती है कि उसमें हम ग्रोथ किस तरह लें, यानी रिटेल में हम क्या करें, स्टोर तो हमने कर दिए, बिल्टअप कर दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें ग्रोथ किस लिए कैसे ले पाएं, हम उसके अंदर कैसे हम प्रोग्रेस ले पाएं, उसका एक चार तरीके हैं, चार मेथड्स हैं जिससे कि आप ग्रोथ ले सकते हैं। पहला है वैरायटी। वैरायटी का मतलब हो गया कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आप जिस चीज़ का ट्रेडिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में वैरायटीज होना चाहिए। वैरायटीज का मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, उसका प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्रीज में रीजनेबल प्राइस होने पर ही कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा, क्योंकि हाइयर प्राइस पे क्या होगा, उसके पास अमाउंट ही नहीं है, परचेसिंग पावर ही नहीं है, तो वो कैसे बिल्टअप कर पाएगा। तो वैरायटीज में क्या आना चाहिए, आपका क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटीज होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, तो फिर वो वैरायटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका जॉब बेनिफिट्स। देखिए, आपने क्या किया, ग्रोथ किया, आपकी शॉप चल रही है, आपने अर्निंग करी, उसके बाद क्या करना है, आपको एम्प्लॉइज भी रखने, जो आपके नियर बाई कम्युनिटी के पेपर्स हों उनको लेके आइए। कई बार क्या होता है, किसी फर्म में जाएं, किसी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, तो चाहे वो बाहर की हो या इंडिया की हो, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो करती क्या है कि भैया हमने क्या कर दिया, इंडस्ट्री लगा ली, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एम्प्लॉई को हायर करती है यहीं के लोगों को, तो उनसे क्या मिलता है, कम्युनिकेटिंग क्या करती है, कम्युनिकेटिंग एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ जी, मैं कह रहा था कि देखिए कम्युनिकेटिंग वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं नियर बाई एरियाज़ के, उससे क्या होता है यार, एडवर्टीजमेंट भी होता है और साथ साथ में लोग वर्किंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड होती है कि यार ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये पहली बात ये रखनी है कि जॉब बेनिफिट्स में कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है और नियर बाई के, उससे क्या होगा, आपकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी और एडवर्टीजमेंट भी होगा। तीसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखिए डेली बेस पर तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट तो होता नहीं है, हर बार क्या होता है, लॉस भी होने के चांसेस है, प्रॉफिट होने के भी चांसेस में, तो हमें क्या करना है, हमें अंदर क्या करना है, पेशेंस रखना है कि भैया आज लॉस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट बार क्या करना है, हमें प्रॉफिट के ऊपर काम करना है, वर्किंग करना है, तो इस एम के तरफ हमें मोटिव रखना है। कई लोग क्या करते हैं, यार यार नुकसान हो गया अब तो करना ही कुछ, ऐसा नहीं रखना, हमें पॉजिटिव थिंग्स रखनी है, बी पॉजिटिव एंड बी प्रोग्रेस, इस तरह की थिंकिंग रखनी है और आगे बढ़ते चले जाना है, तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर वर्किंग करना है। और चौथा और आखिरी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथा जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है लोकेशंस का। देखिए आपका बिजनेस इस तरह सेटअप होना चाहिए, नियर बाई लोकेशन हो, नियर बाई द बैंकिंग सर्विसेज हो, यानी लोकेशन उसकी प्राइम हो, कहने मतलब ये कि गलियों के अंदर घुस के ना हो, कहने मतलब वहाँ पर पीपल्स आते हैं, लेकिन आपको एक प्राइम लोकेशन रखनी है कि जहाँ पर क्या वो बिजनेस में ग्रोथ के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो पाएँ, क्योंकि कस्टमर वहाँ पर आ नहीं पाएगा, बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, मॉनिटरीज यानी कि मेट्रो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी आपको, तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, तो जिससे क्या होगा, कस्टमर्स को आपको पास कंट्रीब्यूशन होने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, एरिया वहाँ का ठीक ठाक होना चाहिए और कस्टमर के साथ में आपका लिंक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चार पॉइंट है, वैरायटीज, आपके पास जॉब बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, लोकेशंस, इन चार चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, तो हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो पाएगी और हमारी इंडस्ट्री नहीं, एज ए कंपनी, एज ए MNC, एज ए कुछ भी बन सकती है, अगर उसमें अंदर ये चार चीज़ें रहेंगी। यही हमारा 12th चैप्टर था, करियर पाथ एंड ग्रोथ इन द रिटेल इंडस्ट्रीज, ये टॉपिक है पूरा। एनी डाउट है You can call me and comment जरूर कीजिएगा।